हेलो CMF फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो होपिंग डेयर की आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। CMF फाइनल के लिए डेयर, आपको पता है कि आपके लिए सप्लीमेंट्री पेपर जो है वो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर दिया है फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम दिसंबर 2024। तो जिन बच्चों के दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो सप्लीमेंट्री पेपर होता है, जो CMA इंस्टीट्यूट जो 3 4 महीने पहले रिलीज़ करता है, वो सेम इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ कर दिया है। और इस वाले वीडियो में हम आपके साथ जो भी अमेंडमेंट्स हैं, बेसिकली इस वाले पेपर में बेसिकली अमेंडमेंट्स कवर होते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस रेफ़र की हैं या जिन बच्चों ने हमारी इन बुक्स को रेफ़र किया है, दिस आर द 3 क्लास मॉड्यूल्स एंड दिस इज़ द क्वेश्चन बैंक। जिन बच्चों ने इन बेसिकली बुक्स को रेफ़र किया है, इन बुक्स में सारा सिलेबस कवर्ड है डियर। अपार्ट फ्रॉम दीज बुक्स कंटेंट, जो इस वाले जो ये जो बुक्स हैं इसमें जो भी कंटेंट है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपको हम जो आज की क्लास में जो अमेंडमेंट्स आपके साथ करवाएंगे, दिस इज दी फाइल ऑफ द अमेंडमेंट, ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे। यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम आवर वेबसाइट एक्सेट्रा, आप हमारी वेबसाइट से इस वाले फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट ने ये फाइल रिलीज करके आपको दी है, हमने इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और हम इसका एनालिसिस करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ ये अमेंडमेंट फाइल आपके साथ शेयर की है। सो ये अमेंडमेंट फाइल प्लस ये जो बुक्स हैं ये आपके लिए सफिशियंट है, 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसमें सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने आपको इस वाले फाइल के थ्रू दिए हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। बेसिकली जो अमेंडमेंट्स आपको दिए गए हैं वो अमेंडमेंट्स आपको दिए गए हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने जो आपको अमेंडमेंट दिए हैं साहब, दैट इज रिलेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, TDS TCS एडवांस टैक्स रिफंड। इसके अलावा जो अमेंडमेंट रिलेट करता है दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन अंडर सेक्शन 10(4)G। अच्छा, तो सर कितना टाइम लग जाएगा? मैक्सिमम डेयर 1 आवर, 1 घंटा लगेगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ईयरफोन का यूज़ करके इस वाले वीडियो को सुनेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ जो अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल है। चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन में दो अमेंडमेंट्स हैं, एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, एक तो खैर छोटी सी है। सेक्शन 11(5) रीड विद रूल 17(c), वो ना कुछ स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है, जहां पे आप अपने पैसे को, अपने मतलब डोनेशन को और अपने बाकी इनकम को आप रख सकते हैं, जो कि स्पेसिफाइड मोड है। और आपको बताया गया सेक्शन 11(5) में बहुत सारे मोड्स या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको अपने पैसे जो है वो रखने हैं, बींग अ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। सर पैसे रखने हैं इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मींस? अच्छा, तो मान लीजिए कि आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, यू आर अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और यू आर अ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मान लीजिए कि आपको चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपके पास आया है कॉर्पस डोनेशन। तो साहब अगर इफ यू हैव रिसीव्ड सम कॉर्पस डोनेशन, वो एग्जेम्प्ट होता है प्रोवाइडेड उस पैसे को आप, जो आपको पैसा मिला है वो आप 11(5) में दिए गए मोड्स में इन्वेस्ट करेंगे या कीप करेंगे, तो आप जो है कॉर्पस डोनेशन को विदाउट इवन अप्लाइंग आप उसे एग्जेम्प्ट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, आपको सेक्शन 11(12) का एग्जेम्प्शन उसके लिए मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जो आपको 15% का बीइंग अ चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, जो आपको 15% का अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन दिया जाता है, उस अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन का जो अमाउंट होता है उसको भी आपको सेक्शन 11(5) मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर 11(5) में दिए गए मोड में उस पैसे को रखना पड़ेगा, तभी आप उस अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन को क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो 11(5) में बहुत सारे मोड्स स्पेसिफाइड हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मोड्स या फिर बहुत सारे ऐसे वेज दिए गए हैं जिसमें आप उस पैसे को रख सकते हैं। उसमें एक और तरीका ऐड कर दिया गया, तो वो तरीका क्या है ध्यान दीजिए, अगर आप उस पैसे को रखना चाहें कहाँ पे उस पैसे को आप रख सकते हैं साहब, आप उस मतलब पैसे को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं यूनिट्स किसकी, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। तो अगर आपको लेट से 11(5) के मोड में मान लीजिए कि यू हैव गॉट सम कॉर्पस डोनेशन, तो उस वाले पैसे से आप जो है वो यूनिट्स परचेज कर सकते हैं किसकी, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। अगर आपने पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स परचेज कर ली, फिर से अगर आपने पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स परचेज कर ली, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उस पैसे को 11(5) में दिए गए मोड्स के हिसाब से इन्वेस्ट किया है या 11(5) के दिए गए मोड्स के हिसाब से उस पैसे को रखा है। अकॉर्डिंगली आपके ऊपर किसी भी तरीके का कंसिक्वेंस नहीं लगेगा। सर एक बात बताओ, अगर हमने 11(5) में दिए गए मोड्स के हिसाब से अपने पैसे को नहीं रखा तो क्या कंसिक्वेंस हो सकता है? डियर, अगर आपने 11(5) में दिए गए मोड्स के हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया या उस वाले तरीके से अपने पैसे को नहीं रखा, तो
सेक्शन 115 डबल बी आई अट्रैक्ट हो सकता है और वो उसे स्पेसिफाइड इनकम मान के 30% रेट पे टैक्स कर सकता है, ये बात आपको पता है। अच्छा, तो ये तो एक छोटा सा अमेंडमेंट था, एक मेजर अमेंडमेंट आया, और इवन अमेंडमेंट कहना भी सही नहीं है, बेसिकली अमेंडमेंट वर्ड ही गलत है, दैट इज बेसिकली अ क्लैरिफिकेशन। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे डियर, तो यहाँ पे ना सीबीडीटी ने वर्ड यूज भी किया है क्लैरिफिकेशन। अगर किसी को याद आ रहा हो, हमने ना इस क्लैरिफिकेशन के बारे में, ऑल्दो उस समय जब जब हमारी क्लासेस हो रही थी उस समय ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, बट मैंने आपको क्लासेस में बोला था, अगर किसी को याद आ रहा हो कि ये क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी की तरफ से ड्यू है, और ये वैसा ही क्लैरिफिकेशन है जो हमने आपके साथ क्लास में इसके बारे में बात की थी। अच्छा, तो चले फिर टाइम पास नहीं करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, लेट अस टॉक अबाउट अ बिट अबाउट द बैकग्राउंड। अच्छा, देखेंगे होता क्या, कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, देखेंगे बहुत ध्यान से। एक मान लीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका जिसका नाम हम रख लेते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट वन, और एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो। आपको पता है डियर, चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस में दो अलग अलग रिज्यूम्स में कवर्ड है, एक है आपका सेक्शन 10(23)(c) रिज्यूम और एक है सेक्शन 11(12) रिज्यूम। तो फिर ये दोनों रिज्यूम्स हो सकता है, तो हमारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट वन है ये 10(23)(c) रिज्यूम का भी हो सकता है या फिर 11(12) रिज्यूम का भी हो सकता है। 10(23) रिज्यूम को इंस्टीट्यूट, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो फर्स्ट रिज्यूम कहता है, सरकार इसको या सीबीडीटी इसको फर्स्ट रिज्यूम की तरह से ऐसा बहुत ज्यादा क्लासिफाई नहीं करता, बट इंस्टीट्यूट इसको फर्स्ट रिज्यूम कहता है, हमने कहा ठीक है सब आप इसको फर्स्ट रिज्यूम बोल दें, और 11(12) को इंस्टीट्यूट बोलता है सेकंड रिज्यूम। तो मान लीजिए कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है, इट मे बी अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट रिज्यूम और दी सेकंड रिज्यूम, और मान लीजिए देयर इज आल्सो अ चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका नाम है चैरिटेबल ट्रस्ट 2 एंड इट कैन आल्सो बी अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑफ रिज्यूम 1 और रिज्यूम 2। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट 1 चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को कोई भी पैसा डोनेट करता है, ध्यान दीजिए, अगर कोई भी पैसा डोनेट करता है तो चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए वो कब कब एप्लीकेशन माना जाएगा और कब कब एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। अगर ये डोनेशन जो इन्होंने दी है, अगर ये डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट 2 के कॉर्पस के लिए है, अगर ये जो डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट 1 ने चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को दी है, अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट 2 के कॉर्पस के लिए है, अगर कॉर्पस के लिए है तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, ये चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। सर, चैरिटेबल ट्रस्ट 2 का क्या होगा, चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को कॉर्पस डोनेशन मिला, इस वाले पैसे को ये 11(5) के मोड में इन्वेस्ट कर दे, अकॉर्डिंगली ये जो अमाउंट है चैरिटेबल ट्रस्ट 2 के हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर हम बात कर रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट 1 की, चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए इसे एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा इफ दैट डोनेशन इज फॉर कॉर्पस पर्पसेस ऑफ द डोनी ट्रस्ट और द रिसिपिएंट ट्रस्ट, ये बात आपको पता है। अच्छा, दूसरा, अगर चैरिटेबल ट्रस्ट 1 ने चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को कोई पैसा डोनेट किया, वो पैसा अगर कॉर्पस के लिए नहीं है, कॉर्पस के लिए नहीं है, अगर वो पैसे कॉर्पस के लिए दिया गया, कॉर्पस फंड के लिए दिया गया, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए एप्लीकेशन नहीं। हमने कहा फॉर दी पर्पस अदर देन कॉर्पस, फॉर दी पर्पस अदर देन कॉर्पस, ठीक बात है, अदर देन कॉर्पस। अगर कोई पैसा आपने डोनेट किया विच इज फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस, तो साहब अगर इस वाले पैसे को आपने जो डोनेट किया है, चैरिटेबल ट्रस्ट 1 ने इस पैसे को जो डोनेट किया, इस पैसे का सोर्स अगर चैरिटेबल ट्रस्ट का 1 का एक्यूमुलेटेड इनकम था, एक्यूमुलेटेड इनकम मतलब पास में जो इन्होंने इनकम वगैरह एक्यूमुलेट की थी, उस पैसे से चैरिटेबल ट्रस्ट 1 ने चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को पेमेंट कर दी, मतलब मीन्स डोनेशन दे दिया, और जो डोनेशन है वो अदर देन कॉर्पस है, क्योंकि साहब अगर आपने जैसे कॉर्पस डोनेशन दिया चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए तो एप्लीकेशन नहीं। हमने कहा कि हमने अदर देन कॉर्पस को डोनेशन दिया है, बट हमने ये पैसे जो हमने डोनेट किए वो पैसे हमने सोर्स कहां से किए, प्रोक्योर कहां से किया, एक्यूमुलेटेड इनकम ऑफ द डोनर ट्रस्ट मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट 1 का एक्यूमुलेटेड इनकम। तो अगर आपने ये पैसे एक्यूमुलेटेड इनकम से डोनेट किए तो अगेन ये पैसा चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। अच्छा, दूसरा, आप क्या बोलना चाहते हो, अगर आप इस पैसे को अपने करंट इनकम से डोनेट करते हो, करंट इनकम से, तो ही ये एप्लीकेशन माना जाएगा, तो ये एप्लीकेशन माना जाएगा। तो हम इसको एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट 1 चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को अपने करंट इनकम से पैसे डोनेट करता है अदर देन फॉर कॉर्पस, तो ही वो चैरिटेबल ट्रस्ट 1 के लिए एप्लीकेशन माना जाएगा। तो सर इसमें नया क्या है, बिल्कुल सही बात, इसमें नया क्या है, तो ये प्रोविजन काफी समय से चल रहा था, दिस इज नॉट अ न्यू प्रोविजन। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 2023 ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो प्रोविजन था जो ये कहता था कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट 1 ने चैरिटेबल ट्रस्ट 2 को कोई पैसा डोनेट किया और वो पैसा डोनेट किया है फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस और इस पैसे का जो सोर्स है वो करंट इनकम है, मींस एक्युमुलेटेड इनकम नहीं है,
उस केस में चैरिटेबल ट्रस्ट वन के लिए वो एप्लीकेशन है। तो लेट्स से चैरिटेबल ट्रस्ट वन ने चैरिटेबल ट्रस्ट टू को 10 लाख रुपए डोनेट किए फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस एंड इट इज नॉट फ्रॉम द एक्युमुलेटेड इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट वन। तो चैरिटेबल ट्रस्ट वन 10 लाख रुपए को अपना एप्लीकेशन मान सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट वन 10 लाख रुपए को अपना एप्लीकेशन मान सकता है, ठीक बात है। तो ये बहुत समय से चल रहा था। तो साहब फिर नया क्या आया फाइनेंस एक्ट 2023 ने क्या किया, ध्यान दीजिए। फाइनेंस एक्ट 2023 ने कहा कि हम इसे एप्लीकेशन तो मानेंगे इन द हैंड्स ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट वन, मतलब ये चैरिटेबल ट्रस्ट वन के हैंड में एप्लीकेशन तो होगा, बट कितना, सिर्फ 85%। मतलब अगर चैरिटेबल ट्रस्ट वन ने 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट टू को, तो चैरिटेबल ट्रस्ट वन के लिए एप्लीकेशन तो है, बट सिर्फ कितना एप्लीकेशन माना जाएगा, 85%, मतलब 8,50,000। बट सर चैरिटेबल ट्रस्ट वन ने तो 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट टू को, अगर 10 लाख डोनेट किया 10 लाख 85% बोले तो 8,50,000 रुपए। अगर सर 8,50 अगर डोनेट करता तो कितना होता, अगर 8,50 डोनेट करता तो 8,50 का 85% बोले तो 7,22,500, मतलब 7,22,500 मीन्स वट एवर अमाउंट चैरिटेबल ट्रस्ट वन डोनेट टू चैरिटेबल ट्रस्ट टू, ओनली 85% ऑफ दैट सम to be considered as application in the hands of charitable trust one। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो 85% की जो लिमिट है ये फाइनेंस एक्ट 23 ने ऐड की, और बाकी जो लिमिट क्या और बाकी जो कंडीशन क्या चल रहा था कि कॉर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, एक्युमुलेटेड इनकम से नहीं होना चाहिए। तो हम इसको समराइज वे में क्या कह सकते हैं, इसको समरी फॉर्म में क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको समरी कह सकते हैं, ध्यान दीजिए। सो व्हाट वी कैन से इन वन लाइन बेसिकली, ध्यान दीजिएगा। डोनेशन कैन बी मेड, तो ध्यान दीजिएगा, डोनेशन कैन बी मेड फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस। इसका मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट वन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट टू को कोई पैसा डोनेट करता है तो वो होना चाहिए फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस, और कैसा, एंड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द डोनर ट्रस्ट, मतलब एक्युमुलेटेड इनकम से नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस तो आपको फुलफिल करनी है। इन दो कंडीशंस को फुलफिल करने के बावजूद आप जो पैसा डोनेट करते हैं उसका सिर्फ 85% ही डोनर ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन की तरह से कंसिडर किया जाएगा, और ये 85% की जो लिमिटेड ईयर ये फाइनेंस एक्ट 23 ने ऐड की। तो ये तो प्रोविजन था। तो सर परेशानी क्या हुई, परेशानी तो बताओ, अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली टाइम पास क्यों कर रहे हो? तो ध्यान दीजिएगा अमेंडमेंट क्या है, थोड़ा सा अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो होता क्या था, होता क्या था पहले उसकी बात कर लेंगे। अच्छा, तो लेट्स से पहले क्या होता था, मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 ने जो अमेंडमेंट किया उसके पहले क्या होता था। तो मान लीजिए हमारा ट्रस्ट वन है, आपको कुछ भी नोट नहीं करना, मान लीजिए हमारा ट्रस्ट वन है, इट इज आवर ट्रस्ट वन, और ट्रस्ट वन की जो टोटल इनकम है ये है 300 रुपए, और ट्रस्ट वन ने इस 300 रुपए में से 100 रुपीज जो है वो ट्रस्ट टू को डोनेट कर दिया, और ये जो डोनेशन है ये है फॉर द पर्पस अदर देन कॉर्पस एंड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ ट्रस्ट वन, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक बात है। अच्छा, तो अगर चूंकि ट्रस्ट वन की टोटल इनकम 300 रुपए है, 15% का अनकंडीशनल एक्युमुलेशन है, मतलब 300 का 15% बोले तो 45 रुपए, तो ट्रस्ट वन के लिए साहब 45 रुपए तो अनकंडीशनली एक्युमुलेटेड है, मतलब आप 45 रुपए को बिना किसी कंडीशन को फुलफिल किए, सर बिना किसी कंडीशन को फुलफिल किए का मतलब, मतलब आपके लिए आपको आपको 45 रुपए को एक्युमुलेट करने के लिए किसी फर्दर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिए आपको 45 रुपए को एक्युमुलेट करने के लिए किसी कंडीशन या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई फॉर्म भर के नहीं देना। तो सर कोई ऐसा एक्युमुलेशन भी है जिसके लिए फॉर्म भर के देना पड़ता है? हाँ डियर, दो ऐसे एक्युमुलेशन है जिसके लिए फॉर्म भर के देना पड़ता है, प्लीज प्लीज। तो सर वो दो ऐसे एक्युमुलेशन क्या है, एक एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 11 जो कहता है कि अगर आप कोई पैसा एक्युमुलेट करते हैं 85% से ऊपर, क्योंकि सॉरी मतलब 15% से ऊपर, क्योंकि 15% तो आप अनकंडीशनली एक्युमुलेट कर ही सकते हैं, अगर आप कोई पैसा एक्युमुलेट करते हैं 15% से ऊपर, और उस पैसे को अगर आप एक्युमुलेट करते हैं बिकॉज, उसका रीजन क्या है, क्योंकि साहब कोई पैसा ऐसा है जो हमें उस प्रीवियस ईयर में मिला ही नहीं या देर से मिला, मींस लेट रिसिप्ट ऑफ इनकम या फिर नॉन रिसिप्ट ऑफ इनकम, अगर आप कोई पैसे को एक्युमुलेट करते हैं तो आपको फॉर्म 9A भर के असेसिंग ऑफिसर को देना पड़ेगा, और फॉर्म 9A आपको कब तक देना पड़ेगा, 2 months प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब आईडीआर फाइल करने के ड्यू डेट का 2 महीने पहले। अच्छा, दूसरा, अगर आप किसी पैसे को एक्युमुलेट करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कोई स्कूल वगैरह रन करता है, और वो जो स्कूल है वो कोई मान लीजिए कोई साइंस लैब वगैरह बनाना चाहता है, ऐसा होता है स्कूल वगैरह अपना लैब वगैरह बनाते हैं, और साइंस लैब वगैरह बनाने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो इसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ सालों तक पैसे एक्युमुलेट करने पड़े, पर सर आपको तो 85% अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 11-12 का एग्जेम्प्शन मिलने में परेशानी होगी।
तो हम कुछ पैसे को एक्युमुलेट करना चाहते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ठीक बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए साहब सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आप फॉर्म 10 फाइल करके उस पैसे को एक्युमुलेट कर सकते हैं। बट फॉर्म 10 आपको कब तक फाइल करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि 15% का जो एक्युमुलेशन है, इस 15% के एक्युमुलेशन के लिए हमें कोई फॉर्म अलग से नहीं भरना, हमें कोई अप्रूवल अलग से नहीं लेना, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी सेपरेट अप्रूवल। पर हां, इस 15% के एक्युमुलेशन के लिए भी आपको इस पैसे को जो 45 रुपए आप एक्युमुलेट करना चाहते हैं, इस 45 रुपए को आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, इस 45 रुपए को आपको 11.5 में दिए गए मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस 45 रुपए को आपको 11.5 में दिए गए मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस 45 रुपए को 11.5 में दिए गए मोड में इन्वेस्ट नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 115 डबल बी आई अट्रैक्ट होकर इसको 30% पर टैक्स कर सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ठीक है सर, हम इसको 11.5 के मोड में इन्वेस्ट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 300 रुपए की हमारी इनकम थी, 45 रुपए हमें अनकंडीशनली एक्युमुलेशन अलाउड है, प्रोवाइडेड कि हम इसे 11.5 के मोड में इन्वेस्ट कर दें। इस 45 रुपए के लिए हमें अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना, हमें अलग से कोई अप्रूवल नहीं लेना। बचा 255 रुपए, हमने 100 रुपए इसमें से ट्रस्ट 2 को डोनेट कर दिया। तो पहले क्या होता था, फाइनेंस 2023 के पहले ये पूरा 100 रुपए आपको एप्लीकेशन की तरह से अलाउड होता था। तो 255 रुपए हमने अप्लाई करना है, 100 रुपए हमने डोनेट कर दिया, रिमेनिंग 155 रुपए बचे, 155 रुपए हम अप्लाई कर देंगे, बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर आप 155 रुपए को अप्लाई कर देते हैं तो साहब कोई परेशानी नहीं है, बट अगर आप इस 155 को भी अप्लाई नहीं करते, अगर आप लेट से इससे कम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 45 रुपए से ज्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं, तो आप इससे अगर कम अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 9A या 10 भर के अकॉर्डिंगली अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट 45 रुपए को एक्युमुलेट करने के लिए आपको अलग से कोई अप्रूवल नहीं लेना, बट हाँ साहब ये पैसा आपको 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बात आपको पता है। अच्छा, फाइनेंस 23 ने क्या किया जिसको लेके ये सारी परेशानी चल रही है, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस 23 ने क्या किया, सेम सिचुएशन है, ट्रस्ट 1 के पास 300 रुपए हैं, इसमें से 100 रुपए ट्रस्ट 2 को डोनेट करना चाहता है। ट्रस्ट 1 है 300 रुपीज, जिसमें से 100 रुपए ट्रस्ट 2 को डोनेट करना चाहता है। अच्छा, तो टोटल इनकम 300, अनकंडीशनल एक्युमुलेशन अभी भी कितना है साहब, 3% मतलब 45 रुपए, तो ट्रस्ट 1 जो है 300 रुपए में से 45 रुपए अनकंडीशनली एक्युमुलेट कर सकता है, अलग से किसी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो ट्रस्ट ने क्या किया, 45 रुपए एक्युमुलेट करेगा, बट 45 रुपए को अगर आप एक्युमुलेट करते हैं तो इस 45 रुपए को आपको 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब हुआ क्या, ट्रस्ट ने 100, तो अगर 45 रुपए एक्युमुलेट करता है तो उसे 255 रुपए अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट 1 ने ट्रस्ट 2 को 100 रुपीज डोनेट कर दिया, पहले वाले केस की तरह 100 रुपीज डोनेट कर दिया। तो अगर आप 100 रुपीज डोनेट करते हैं पहले वाले केस में, मतलब पहले प्रीमेडिटेड क्या था केस, कि अगर आप 100 रुपीज डोनेट करते हैं तो पूरा 100 रुपीज आपका एक्युमुलेशन था, बट फाइनेंस 2023 ने जो अमेंडमेंट कर दी इसके हिसाब से अब 100 रुपीज जो आप डोनेट करते हैं पूरा 100 रुपीज एक्युमुलेशन नहीं माना, एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन कितना माना जाएगा, सिर्फ 85%, इसका मतलब 85 रुपए। सर ये क्या बात हुई, हमने ट्रस्ट 2 को डोनेट किया है 100, बट एक्युमुलेशन, बट एप्लीकेशन कितना माना जाएगा, एप्लीकेशन कितना माना जाएगा, सिर्फ 85 रुपए। अच्छा, हमने कहा साहब हमने जो डोनेट किया है दैट इज 100, बट फॉर एप्लीकेशन पर्पसेस ओनली 85 रुपीज विल बी अलाउड, ठीक बात है। अच्छा, तो 255 रुपए हमें अप्लाई करना था, 85 रुपए हमें हमने अप्लाई कर दिया, रिमेनिंग हमने कितना अप्लाई करना है, 170 रुपए। प्लीज, अब यहाँ से परेशानी शुरू होती है, ऑब्वियस के बारे में हमने क्लासेस में बात की है, जो बच्चे क्लासेस को थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं उनके लिए कुछ नया नहीं है। ध्यान दीजिए, एक ट्रस्ट है जिसके पास 300 रुपए आए, लेट्स से 300 रुपए आए, इस 300 रुपए में से इसने 100 रुपए ट्रस्ट 2 को डोनेट कर दिया, बचे हाथ में कितने, 200 रुपए। इस 200 रुपए में से इसे 45 रुपए जो है 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज 11.5 का मोड अनकंडीशनल एक्युमुलेशन वाला 11.5 के मोड में आपको इन्वेस्ट करना है, ₹45 यू हैव टू कीप इन 11.5 मोड। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपके ऊपर 115 डबल बीआई अट्रैक्ट हो सकता है और आपकी वो इनकम 30% के फ्लैट रेट पर टैक्स हो सकती है। 200 रुपए मेरे पास बचे हैं 100 रुपए ट्रस्ट 2 को डोनेट करने के बाद, जिसमें मुझे 45 रुपए 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करना है, ठीक बात है, और 170 रुपए मुझे और अप्लाई करना है, 85% एप्लीकेशन करनी है ना, 200 रुपए में से ध्यान दीजिए 170 रुपए मुझे और अप्लाई करना है, 170 रुपए मुझे और अप्लाई करना है और 45 रुपए मुझे 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करना है। मेरी जेब में पैसे बचे कितने, 200, उसमें से 170 मुझे अप्लाई करना है
और 45 रुपये मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी है, 215, और मेरे पास पैसे हैं कितने, 200। सो मनी आई एम लेफ्ट विद इज 200 रुपीज, बट द एप्लीकेशन, बट आई नीड हाउ मच, 215, 170 इज नीडेड फॉर एप्लीकेशन एंड 45 रुपीज इज नीडेड फॉर 11.5 मोड। बट सर क्या फर्क पड़ता है, आप एप्लीकेशन कर दो एक्यूरल बेसिस पे, ऐसा आप नहीं बोल सकते डियर, क्योंकि 2-3 साल पहले अमेंडमेंट आ चुकी है, एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे माना जाएगा, ये बात आपको पता है। तो सर फिर ऐसा हुआ कैसे दोस्त, तो ये 15 रुपए गए कहाँ आखिर, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 200 हैं और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है 215। ये डियर इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो डोनेट किया है, ध्यान दीजिएगा, आपने जो डोनेट किया है ट्रस्ट टू को, वो आपने डोनेट कितना किया, आपने डोनेट किया साहब 100, बट आपको अप्लाई कितना हुआ, सिर्फ आपको अप्लाई कितना हुआ 50, मतलब आपकी जेब से पैसे ट्रस्ट टू को गए कितने, 100। आपको एप्लीकेशन के लिए अलाउ कितना किया गया, 85। इसलिए सारी परेशानी साहब इस वजह से हुई। तो सर एसएससी की परेशानी क्या होगी, एसएससी के लिए परेशानी बन गई क्या, एसएससी के पास 100 रुपीज ट्रस्ट टू को डोनेट करने के बाद पैसे बचे 200। इस 200 रुपए में उसे 170 रुपए चाहिए एप्लीकेशन के लिए और 45 रुपए उसे चाहिए 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सवाल बनता है जो 15 रुपए जो कम पड़ गए, जो 15 रुपए कम पड़ गए, क्या ट्रस्ट को इस पैसे को बोरो करना पड़ेगा, ऐसे तो सर फिर ट्रस्ट के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सीबीडीटी ने क्या कहा, ध्यान दीजिए, सीबीडी ने कहा एक बात बताओ, परेशानी हुई क्यों, परेशानी इसलिए हुई क्योंकि आपने 100 रुपीज डोनेट किया पर हमने आपको उसका सिर्फ 85% एप्लीकेशन की तरह से अलाउ किया। अगर आपने 100 डोनेट किया होता और अगर हमने 100 को ही एप्लीकेशन मान लिया होता तो ये परेशानी नहीं होती। तो ठीक है, एक काम करना, अगर आप कोई भी पैसा किसी भी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करते हो तो उस पैसे में से जो भी पैसा आप डोनेट करते हैं, लेट्स से आप 100 रुपीज किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, तो इसका जो भी आप पैसा डोनेट करते हैं, लेट्स से आपने 100 रुपीज डोनेट किया, इसका 15% डोनेशन का आपको 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आपने अगर 100 रुपीज डोनेट किया उसका 15% मोड तो 15, तो 15 रुपए आपको 11.5 के मोड में नहीं रखना। इसका मतलब 45 रुपए में से 15 रुपए घटा दो और 11.5 के मोड में कितना जमा कर दो, 30 रुपए। अगर आप 30 रुपए भी 11.5 के मोड में जमा कर देते हैं तो हम आपके ऊपर 115 डबल बी आई अट्रैक्ट नहीं कराएंगे और आपके ऊपर 11-12 का एग्जेंप्शन आपको मिलता रहेगा। तो सिंपल सी बात क्या होगी, ध्यान दीजिएगा ये पूरी कहानी हमने आपको यहाँ पे बता दी। सीबीडीटी ने फाइनली क्या कहा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आती है मुद्दे वाली बात। इट इज क्लैरिफाइड दैट 15% ऑफ सच डोनेशन बाय द डोनर ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट वन, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन 11.5 मोड एज द एंटायर अमाउंट ऑफ 100 रुपीज हैज बीन डोनेटेड टू द अदर ट्रस्ट एंड इज अकॉर्डिंगली एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर द फर्स्ट और सेकंड। मतलब मुद्दे वाली बात है कि ट्रस्ट वन ने चूंकि 100 रुपीज ट्रस्ट टू को डोनेट कर दिया, उस 100 रुपीज में से 15% उस 100 रुपीज का आपको 11.5 के मोड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब 100 रुपीज का 15% बोले तो 15 रुपए, तो आपको 11.5 के मोड में जो पैसा रखना था, आपको 11.5 के मोड में जो पैसा रखना था डियर, वो कितना रखना था, वो 45 रुपए रखना था, बट 45 रुपए रखने के लिए आपके पास 45 तो है नहीं, आपके पास सिर्फ 30 रुपए हैं, तो 45 में से 15 माइनस कर दो और बचे 30, उस 30 रुपए को 11.5 के मोड में इन्वेस्ट कर दो। अगर आप 11.5 को 30 रुपए 11.5 के मोड में इन्वेस्ट कर देते हैं, हमें मान लेंगे कि आपने कंडीशन को कम्प्लाई कर दिया और अकॉर्डिंगली आपको एग्जेम्प्शन मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में। अच्छा, तीसरा जो अमेंडमेंट है डियर, वो डील करता है रिगार्डिंग सेक्शन 194O और 194O जो सेक्शन है इसके बारे में हमने आपके साथ याद करें गाइडलाइंस वगैरह भी देखी हुई थी और कुछ एडिशनल गाइडलाइंस इसमें आ गई। तो चलें फिर जल्दी से टाइम पास नहीं करते हुए सेक्शन 194O की तरफ चलते हैं। और 194O में जाने से पहले मैं आपको 194O के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहता हूँ, ये हमारी बुक्स हैं बेसिकली। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 194O है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है फॉर टीडीज। तो लेट्स से कि अगर आप कोई ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एक रेजिडेंट पर्सन होता है जो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज को किसी को भी सेल करता है, तो लेट्स से मैं अपने प्रोडक्ट्स को, मान लीजिए कि मैं कुछ बनाता हूँ, मान लीजिए कि मैं एक पेन बनाता हूँ और इस पेन को मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू कस्टमर्स को सेल करता हूँ, तो मैं बन गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, फ्लिपकार्ट बन गया ई कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा,
अब फ्लिपकार्ट जब भी मुझे पे करेगा, क्योंकि मैं जो अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर रहा हूँ और जो कस्टमर है, जो बायर है, वो फ्लिपकार्ट को उस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर रहा होगा, तो फ्लिपकार्ट जब मुझे पेमेंट करेगा, जब भी मुझे पे करे या फिर मेरे अकाउंट में उसको मतलब क्रेडिट करे, मीन्स पेमेंट और क्रेडिट कर लिया फ्लिपकार्ट को 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज, मतलब मैंने जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर को सेल किया, जितने अमाउंट का उस ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल का 1% फ्लिपकार्ट को टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ साथ देखें, वेयर सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, मैं इस प्रोडक्ट को इस पेन को फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करता हूं, मैं बन गया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अच्छा, इज फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारे केस में कौन सा, फ्लिपकार्ट, थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म सच ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट और एट अ टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ व्हाट ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज। तो मान लीजिए कि मैंने 1,00,000 रुपए के पेन फ्लिपकार्ट के थ्रू कस्टमर्स को सेल कर दिया, 1,00,000 रुपए, ठीक बात। अच्छा, मैंने 1,00,000 रुपए के अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर्स को सेल कर दिया और फ्लिपकार्ट ने मान लीजिए 1,00,000 रुपए में जो अपनी प्लेटफॉर्म फीस है वो 2,000 रुपए लगाई और मुझे फ्लिपकार्ट ने 98,000 रुपए की पेमेंट करनी है, मुझे बताएं फ्लिपकार्ट टीडीएस किस अमाउंट पे करेगा, 1,00,000 रुपए पे करेगा या 98,000 रुपए करेगा? तो सर 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स, तो जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू कितना किया है, व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स जो मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू किया है, सर आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स किया है दैट इज 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए का 1%, मतलब 1,000 रुपए फ्लिपकार्ट को टीडीएस करना पड़ेगा, ठीक बात है। अच्छा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, देखेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन जो ओन करे, ऑपरेट करे या मैनेज करे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म ओन करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन्स ई कॉमर्स, तो फ्लिपकार्ट इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। और हाँ, इस केस में 194O के लिए साहब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक बात है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है, e-commerce participant means a person resident in India selling goods or providing services or both including digital products through digital or electronic facility or platform, मतलब कोई भी ऐसा person जो किसी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है, दैट इज द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक बात। अच्छा, अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा डियर, ऑनलाइन वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस कैसे हो, ऑनलाइन वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन कैसे होता है, हाउ ट्रांजेक्शन आर बीइंग कंडक्टेड इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। ऑनलाइन वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शन होता है डियर, इसमें एक ईसीओ भी इन्वॉल्व हो सकता है, एक ईसीओ भी इन्वॉल्व हो सकता है और एक से ज्यादा ईसीओ भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने 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 अमेजॉन के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मिस्टर बी का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, या मैं थोड़ा सा अच्छे से बोलता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ मिस्टर बी जो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ और मेरे प्रोडक्ट को मिस्टर ए ने परचेज किया, तो मिस्टर ए कौन है, बायर, मिस्टर ए कौन है, बायर, मिस्टर ए का 194O टीडीएस में कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर बी कौन है, सेलर, क्योंकि मैंने अमेजॉन का प्लेटफॉर्म यूज किया, मिस्टर बी को हम क्या नाम देंगे, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, क्या नाम देंगे, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और Amazon क्या बन गया, e-commerce operator, because Amazon is owning, managing some digital or electronic facility or platform जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। तो मिस्टर बी ने Amazon का प्लेटफॉर्म यूज किया, अपने प्रोडक्ट्स को Amazon के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराया, जिसके थ्रू मिस्टर ए ने उसे परचेज किया, तो मिस्टर बी इज एन ईसीपी e-commerce participant and Amazon is an e-commerce operator, you guys get it। अच्छा, अब यहाँ पे मिस्टर ए जो पेमेंट है वो जनरली अमेजॉन को करेगा और अमेजॉन जो है पेमेंट मिस्टर बी को करेगा। यहाँ पे 194O का जो टीडीएस है इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, अमेजॉन की, अमेजॉन को 194O का टीडीएस यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक बात है। दूसरा, मल्टीपल इश्यूज, डियर बहुत बार मल्टीपल इश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए मैंने HP.com या HP.in की वेबसाइट से या HP इंडिया के मैंने मान लीजिए HP इंडिया का कोई कंप्यूटर Amazon के थ्रू परचेज किया, मैंने लेट्स से HP का कोई कंप्यूटर Amazon के थ्रू परचेज किया, तो अगर आप देखेंगे तो HP यहाँ पे क्या बन गया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, और Amazon क्या बन गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और मैं कौन हूँ, मिस्टर ए बायर, ठीक बात है। बट सर HP को अगर आप देखेंगे तो HP यहाँ पे इस वाले ट्रांजेक्शन के लिए ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट,
पर एचपी खुद का भी एक प्लेटफॉर्म या फैसिलिटी ओन करता है या मैनेज करता है या ऑपरेट करता है जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को आगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में सेल कर सकते हैं। जैसे एचपी की अपनी वेबसाइट भी है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स को एचपी की वेबसाइट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। मतलब बात नहीं है, एचपी इंडिया के प्रोडक्ट्स आप एचपी इंडिया की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या पेटीएम मॉल वगैरह के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, hp.com या hp.in जो है वो अमेज़न के थ्रू जब अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जब ये अमेज़न के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट बन गया। hp.com जब अमेज़न के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो hp.com क्या बन गया, ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट, अमेज़न इज एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर। बट hp.com जब खुद की वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, क्योंकि अब आप hp की वेबसाइट से जाकर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो उस केस में hp क्या बन गया, ई-कॉमर्स ऑपरेटर। उस केस में hp क्या बन गया, ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो हमने क्या देखा कि अगर hp amazon के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है देन एट दैट टाइम और फॉर दैट ट्रांजैक्शन hp इज एक्टिंग लाइक एन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट and Amazon is working as e-commerce operator, but when HP is dealing with the customers directly through its website, then in that case or for that transaction, HP is an e-commerce operator. So at the same time, HP जो है वो e-commerce operator भी है और साथ में e-commerce participant भी। But sir, ये बात तो आपने Mr. B वाले केस में नहीं बोली। हो सकता है Mr. B के पास भी अपनी कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू वो कस्टमर से डील कर रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो सकता है। बट हमने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया है, हमने यहाँ पे कहा हुआ है आपको एग्जांपल में कि मिस्टर बी जो है वो अपनी कोई वेबसाइट वगैरह मैनेज नहीं करता जिसके थ्रू वो कस्टमर से डील नहीं करता। इसका मतलब मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज अ सेलर और सेलर जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करता है, अपना से कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं बनाया हो। इसलिए मिस्टर बी सिर्फ और सिर्फ क्या है, ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट। बट एचपी इंडिया क्या बन गया, ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट के साथ साथ ईसीपी के साथ साथ ईसीओ। क्या मेरी बात समझ पाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में मिस्टर ए जो बायर है वो इस वाले ट्रांजेक्शन में जब मिस्टर ए जो कुछ परचेज कर रहा है तो यहाँ पे दो ईसीओ इन्वॉल्व हो गए, अमेज़न भी और एचपी। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि एचपी ने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हो अमेज़न में, मींस amazon.in में, और मुझे लेट्स से एचपी का कोई प्रोडक्ट परचेज करना है बट मैं अमेज़न में नहीं जाता, मैं अमेज़न की वेबसाइट में नहीं जाता, लेट्स से मैं किसी ई-कॉमर्स एग्रीगेटर की वेबसाइट में जाता हूं, लेट्स से मैं चला गया paytm.com की वेबसाइट में और मैं paytm.com की वेबसाइट में चला गया और paytm.com और amazon.com आपस में लिंक्ड हैं लेट्स से थ्रू ONDC बोले तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ONDC जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं कि एग्रीगेटर की तरह से काम करता है जहां पे ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहां पे ये मल्टीपल ईसीओ मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और ईसीपी मींस बायर्स को एग्रीगेट करता है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मैं लेट्स से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट एचपी इंडिया का है जो उसने अमेज़न में लिस्ट किया हुआ था बट अमेज़न और पेटीएम आपस में लिंक हैं थ्रू ONDC। तो मैंने paytm.com को यूज करते हुए एचपी का प्रोडक्ट परचेज किया जो कि एचपी ने अमेज़न में लिस्ट किया हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे साहब क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से, paytm.com भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे amazon.in भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे hp.com भी इन्वॉल्व है। तो अगेन देयर आर मल्टीपल ईसीओ, तो सवाल बनता है फिर 194 का टीडीएस कौन करेगा और क्या मल्टीपल टाइम्स 194 का टीडीएस होगा, तो इसका जवाब है नहीं। इन सारे इश्यूज को डील करते हुए डियर जो एडिशनल गाइडलाइंस है उसमें इन चीजों को क्लैरिफाई किया गया, ध्यान दीजिएगा। अगर एक से ज्यादा ईसीओ किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो गोल्डन रूल क्या है, जो सेलर साइड ईसीओ होगा, सेलर साइड ईसीओ बोले तो अगर आप इस वाले ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो paytm जो है paytm.com इट इज एक्टिंग लाइक अ बायर साइड ईसीओ, क्योंकि जो बायर है मिस्टर है उसने paytm.com का यूजर इंटरफेस यूज करते हुए ऑर्डर प्लेस किया, सो paytm.com इज अ बायर साइड ईसीओ बट amazon.in इज अ सेलर साइड ईसीओ। बट सर ONDC फिर क्या है, ONDC इज एक्टिंग लाइक अ प्लेटफॉर्म जो कि paytm और amazon को आपस में लिंक करने का काम कर रहा है। क्या मैं समझ पाया, अच्छा सो amazon.in इज लाइक द Like the seller side ECO, but paytm.com is like the buyer side ECO. ठीक बात है, अच्छा
तो जहां भी एक से ज्यादा इश्यूज इन्वॉल्व होंगे 194 ओ का टीडीएस कंप्लायंस किसे करना है, हमेशा और हमेशा याद रखेंगे सेलर साइड इश्यू को, जो कि एक्चुअल सेलर को पेमेंट करने के लिए रिस्पांसिबल है। फिर से जहां भी जब भी 194 ओ का टीडीएस करना है, 194 ओ का टीडीएस हमेशा कौन करेगा, सेलर साइड इश्यू, सेलर साइड इश्यू। और सेलर साइड में अगर मल्टीपल इश्यूज हैं तो सेलर साइड वो इश्यू जो कि एक्चुअल बायर को पे करने के लिए रिस्पांसिबल है, हमेशा 194 का टीडीएस उसे करना है। तो यही बात साहब सीबीडीटी ने भी क्लैरिफाई किया, तो मेरे साथ-साथ देख लेना, देखेंगे वेयर मल्टीपल इश्यूज आर इन्वॉल्वड इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन एंड वेयर द सेलर साइड इश्यू इज नॉट द एक्चुअल सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एचपी का प्रोडक्ट अमेज़न ने जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड था उससे मैंने परचेज किया है थ्रू पेटीएम डॉट कॉम, इस केस में मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेलर साइड इश्यू कौन है, Amazon.in, बट क्या यहाँ पे सेलर साइड इश्यू ही एक्चुअल सेलर ऑफ गुड्स है? नहीं सर, यहाँ पे एक्चुअली गुड्स को कौन सेल कर रहा है, HP.in, और HP.in ने Amazon.in में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, तो सेलर साइड इश्यू इज Amazon.in, बट द एक्चुअल सेलर इज HP.in। ठीक बात है। अच्छा, तो यहाँ पे टीडीएस किसे करना है, ध्यान दीजिएगा, इन सच केस द कंप्लायंस अंडर सेक्शन 194 इज टू बी डन बाय द सेलर साइड इश्यू, बोले तो Amazon.in, बट अगर मल्टीपल सेलर साइड इश्यू हुए तो हम कैसे पता लगाएंगे, हु फाइनली मेक्स द पेमेंट और डीम्ड पेमेंट टू द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये कि लेट्स से एक्चुअल सेलर है, मान लीजिए जो एक्चुअल आपका जो सेलर है दैट इज लेट्स से एचपी, या फिर मान लीजिए जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है मान लीजिए वो है मिस्टर बी, और वो अमेजॉन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो अमेजॉन इज व्हाट बेसिकली सेलर साइड इश्यू। तो यहाँ पे 194 का टीडीएस अमेजॉन को करना है, जो कि एक्चुअली टीडीएस, जो कि एक्चुअली मिस्टर बी को, जो कि प्रोडक्ट के एक्चुअल क्या है सेलर, उनको पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। केस टू, वेयर मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ प्लेटफॉर्म और नेटवर्क, एंड वेयर द सेलर साइड ईसीओ इज द एक्चुअल सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जहाँ पे सेलर साइड ईसीओ जो है वो गुड्स और सर्विसेज का एक्चुअल सेलर है। मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगेन सेम एग्जाम्पल, HP.com जो है वो अमेजॉन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, और मैंने एचपी के प्रोडक्ट को जो अमेजॉन में लिस्टेड था पेटीएम मॉल के थ्रू परचेज कर लिया। उस केस में अगेन टीडीएस किसको करना है, सेम कॉन्सेप्ट, सेलर साइड ईसीओ, जो कि एक्चुअल सेलर को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, देखेंगे, एस दी सेलर इटसेल्फ इज एन ईसीओ एंड इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद एन ईसीओ। मतलब एचपी जो है वो डायरेक्टली अमेजॉन से लिंक कर रहा है, और एचपी भी ईसीओ है और अमेजॉन भी ईसीओ है, बट फिर भी 194 का कंप्लायंस किसे करना है, Compliance under section 194O is to be done by the ECO who finally makes the payment or deemed payment to the seller of goods or services. मतलब although HP अपने आप में ECO है और Amazon भी ECO है, तो एक ECO दूसरे ECO से लिंक कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, बट फिर भी पेमेंट किसको करना है, Amazon को, जो कि HP को अल्टीमेटली पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, और हाँ साहब, इन दोनों केसेस में जो मतलब TDS करना है आपको, वो किस पे करना है, ग्रॉस अमाउंट पे करना है। TDS किस पे करना है, ग्रॉस अमाउंट पे। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार क्या होता है डियर, जो ECOs होते हैं या जो ECP होता है, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट होता है, वो हो सकता है कि पैकिंग चार्जेस आपसे ले, या फिर गुड्स को अगर आपके घर तक भेज रहा है तो आपसे वो चार्ज कर सकता है, डिलीवरी चार्जेस वगैरह चार्ज कर सकता है, और आप जिस ECO का यूज़ करते हैं या जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर का यूज़ करते हैं उसके हो सकता है कि अपने प्लेटफॉर्म चार्जेस या फिर हो सकता है कि कन्वीनियंस फीस वगैरह हो, तो उसका तो वो कैसे कंसिडर किया जाएगा ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स को निकालने में। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, TDS जो होगा, ध्यान दीजिएगा, जो TDS जो होगा 194O का जो TDS करना है आपको साहब, ये आपको ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स पे करना है। ठीक बात है। बट सर, ये ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स निकलेगा कैसे, लेट्स से कि मान लीजिए कि मिस्टर बी फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे इनको हो सकता है कि पैकिंग चार्जेस भी इनकर करना पड़ता हो सकता है कि प्रोडक्ट को जो है कस्टमर के घर तक भेज रहे हैं तो इसमें इनको हो सकता है कि डिलीवरी चार्जेस भी इनकर करना पड़ता हो, और ये फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्लिपकार्ट को इनको प्लेटफॉर्म फीस भी पे करनी पड़ती हो, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा, हाउ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स कैन बी मीन्स कंप्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ 194 TDS। तो डियर, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बात हमने आपके साथ पहले भी की है। ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स के लिए आपको देखना है कि सेलर बायर को कितने अमाउंट का इनवॉइस बना के देता है, कितने अमाउंट का इनवॉइस बना के देता है।
अगर जो भी इनवॉइस का अमाउंट है डेट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। तो मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने कोई प्रोडक्ट सेल करना है फ्लिपकार्ट के थ्रू और इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज। पैकिंग चार्जेस हैं लेट से 100 रुपीज, डिलीवरी चार्जेस हैं लेट से 100 रुपीज और फ्लिपकार्ट का जो प्लेटफॉर्म फीस है डेट इज लेट से 50 रुपीज। ठीक बात है। अच्छा, अगर मिस्टर बी बायर से ये तीनों चीजें भी रिकवर करते हैं तो 100 रुपीज और 50 रुपीज और 1250 का इनवॉइस बना के देते हैं तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट को जो टीडीएस करना है मिस्टर बी के 194O का वो होगा 1250 रुपए का 1%। मीन्स व्हाट एवर इज द वैल्यू ऑफ इनवॉइस और व्हाट एवर इज द इनवॉइस अमाउंट उस पे 194O का टीडीएस बनेगा बिकॉज इट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। क्योंकि ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स को सबसे ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से साहब आप इनवॉइस को देखकर ही पता लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको मतलब हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। तो जो भी इनवॉइस की अमाउंट होगी दैट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो भी इनवॉइस इशू करेंगे मिस्टर बी टू द सेल टू द बायर दैट वुड बी द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। अच्छा, पर मान लीजिए कि मिस्टर बी जो है ये सब कुछ जैसे पैकिंग चार्जेस, घर तक भेजने के चार्जेस या प्लेटफॉर्म चार्जेस अपने जेब से पे करते हैं और इनवॉइस सिर्फ 1000 रुपीज का इशू करते हैं तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट को 1000 रुपीज का 1% के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा। तो यही बात सब हमने आपको यहाँ पे दी हुए देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल वन देखेंगे। मान लीजिए कि कोई बायर है जिसने 100 रुपीज का गुड्स परचेस किया सेलर से और इन्होंने ऑप्ट किया फॉर होम डिलीवरी। अच्छा, तो जो प्रोडक्ट इनको सेल किया जा रहा है उसमें 5 रुपये जो है वो पैकिंग फीस लगती है, 10 रुपीज लगते हैं शिपिंग फीस और 3 रुपये लगते हैं एज अ कन्वीनियंस चार्ज मतलब प्लेटफॉर्म फीस। ठीक बात है, 3 रुपये लगते हैं कन्वीनियंस चार्ज, इसको आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है, प्रोडक्ट तो 100 रुपीज का है बट 10 रुपये लगते हैं शिपिंग चार्ज, 5 रुपये लगते हैं पैकिंग चार्जेस और 3 रुपये हैं कन्वीनियंस फी। अगर सेलर जो है वो 118 रुपये का इनवॉइस इशू करता है 100 रुपीज फॉर द प्रोडक्ट और 10 रुपये जो है वो शिपिंग के, 5 रुपये पैकिंग के और 3 रुपये कन्वीनियंस फीस के, तो टीडीएस 118 रुपये होगा, ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स 118 रुपये मानी जाएगी, फिर 118 रुपये का 1% टीडीएस करना पड़ेगा, 118 रुपए का 1% टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक बात है। बट अगर लेट्स से इनवॉइस 100 रुपीज का ही जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मतलब सेलर जो है वो इस 18 रुपए को अपनी जेब से बियर करता है और इनवॉइस जो बायर को 100 रुपीज का देता है तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को 100 रुपीज पे टीडीएस करना पड़ेगा, मतलब 100 रुपीज को ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। और हाँ डियर, हमेशा याद रखेंगे टीडीएस कौन करेगा, सेलर साइड ईसीओ जो कि बायर को अल्टीमेटली पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मेरे साथ साथ देख लें, और अगर मान लीजिए इनवॉइस अगर 118 रुपए की इशू की गई है तो जो भी इनवॉइस का अमाउंट है उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, इन सच केस द टीडीएस शुड बी डिडक्टेड बाय द सेलर साइड ईसीओ अंडर सेक्शन 194 ऑन 118 रुपए एज इट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स। तो जो भी ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स होगा उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल देख लें। मान लीजिए कि कोई सेलर है जिसने कोई प्रोडक्ट सेल किया 100 रुपीज का टू द बायर। अच्छा, और इन्होंने जो इनवॉइस दी है वो दी है 100 रुपीज की, तो बायर यहाँ पे 100 रुपीज पे करेगा। जो बायर साइड इश्यू है उसने 5 रुपए अपने रख दिए, अपने उस 100 रुपीज में से रिटेन कर लिए एज कमीशन और 95 रुपीज आगे ट्रांसफर कर दिया टू द सेलर साइड इश्यू। सेलर साइड इश्यू ने यहाँ पे 10 रुपए अपना रिटेन कर लिया एज दी कमीशन और 85 रुपीज ट्रांसफर कर दिया टू द सेलर। तो अगेन सवाल बनता है टीडीएस किस पे होगा या ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स क्या है। हमेशा याद रखेंगे ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स हमेशा वो माना जाएगा जो इनवॉइस वैल्यू होगा जो कि सेलर ने बायर को इशू किया है। तो चूंकि यहाँ पे सेलर ने बायर को जो इनवॉइस इशू किया है वो 100 रुपीज का इशू किया है तो यहाँ पे 100 रुपीज पे टीडीएस बनेगा 194O का। अच्छा, ये बात तो हो गई, बट चूंकि यहाँ पे जो आपका सेलर साइड इश्यू है वो 10 रुपीज अपना रिटेन करता है एज कमीशन और 15 रुपए का इनवॉइस इशू कर देता है टू द सेलर, तो क्या यहाँ पे मतलब सेलर को इस 15 रुपए में 194H का टीडीएस करना पड़ेगा एज द टीडीएस इन ब्रोकरेज और कमीशन। तो इसका जवाब है नहीं। जिस वाले ट्रांजेक्शन में सेक्शन 194O लग जाता है, जहाँ पे 194O का टीडीएस बनता है, उस वाले ट्रांजेक्शन में डियर और किसी भी सेक्शन में टीडीएस नहीं होता। तो ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे अगेन एक ही कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स है मतलब जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू है उसी पे आपको टीडीएस करना है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल बनता है कि जीएसटी और जो बाकी जो स्टेट लेवल मतलब टैक्स हैं अदर देन जीएसटी, जैसे फॉर एग्जांपल वैट या फिर सेल्स टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो डियर ये बात तो चूंकि ऑलरेडी जो पहली गाइडलाइन थी उसमें भी ये चीजें कवर्ड थी, बट चलें फिर भी देख लें। अच्छा, यदि आपको टीडीएस करना है 194O का एट ऑन द
पेमेंट बेसिस, ऑन दी पेमेंट बेसिस, लाइक फॉर एग्जांपल एडवांस पेमेंट, तो साहब अगर कोई एडवांस पेमेंट दिया जा रहा है उस पर तो हम ये बायफर्केशन नहीं कर सकते कि एडवांस पेमेंट में जीएसटी कंपोनेंट कितना है और प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, तो हम पूरे के पूरे उस अमाउंट पे ही 194 का टीडीएस कर देंगे विदाउट मेकिंग एनी बायफर्केशन. अच्छा, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट एज इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द पेमेंट विद जीएसटी और वेरियस स्टेट लेवल लेवीज एंड द टैक्सेस कंपोनेंट टू बी इनवॉइस्ड इन द फ्यूचर. तो लेट्स से अगर कोई एडवांस पेमेंट की गई है जहाँ पे जो है, तो साहब उस पर जो है वो मतलब टीडीएस जो बनेगा वो पूरे के पूरे अमाउंट पे बनेगा, उस पर आपको किसी भी तरीके का बायफर्केशन नहीं करना, एंटायर अमाउंट पे आपको टीडीएस करना. अच्छा, बट अगर पेमेंट कर रहे हैं आप एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट, तो उस केस में यदि इनवॉइस में जीएसटी और नॉन जीएसटी कंपोनेंट को सेपरेटली मेंशन किया गया है, तो उस केस में आपको जो 194O का टीडीएस करना है फॉर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स, आपको करना है उसे विदाउट इंक्लूडिंग द जीएसटी और स्टेट लेवल लेवीज. तो मान लीजिए मैं 100,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेट्स से अमेजोन से परचेज करता हूँ और इसमें लेट्स से 18% का जीएसटी बनता है, तो जो इनवॉइस है 118,000 रुपये का रहेगा, बट 18% जीएसटी उसमें यदि सेपरेटली मेंशन है, तो सिर्फ और सिर्फ 100,000 रुपये को ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के उस पर जीएसटी करना, मतलब उस पर जो आपको 194 का टीडीएस करना. अच्छा, कुछ और बातें देख लें. परचेज रिटर्न का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ऑल्दो ये बातें हमने आपके साथ पहले भी देखी है, क्योंकि जो पहले की जो गाइडलाइंस थी उसमें भी ये बातें दी गई थी, बट फिर भी परचेज रिटर्न में साहब दो चीज़ें हो सकती हैं, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. लेट्स से कि मैंने एचपी का कोई प्रोडक्ट अमेजोन के थ्रू परचेज किया, मान लीजिए मैंने एचपी का कोई मतलब कंप्यूटर अमेजोन के थ्रू परचेज किया, 100,000 रुपए का वो कंप्यूटर है, और मान लीजिए कि मैंने इस वाले कंप्यूटर को रिटर्न कर दिया. अगर मैं इस कंप्यूटर को रिटर्न कर देता हूँ डियर, तो दो चीजें हो सकती हैं. मैंने मान लीजिए कि इस कंप्यूटर को रिटर्न कर दिया और मुझे एचपी ने कैश वापस कर दिया, मतलब मुझे एचपी ने मुझे कैश वापस कर दिया, एचपी हैज रिपेड माई अमाउंट. और सेकंड हो सकता है कि एचपी ने मुझे उस कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया और नया कंप्यूटर दे दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस द प्रोडक्ट. तो अगर लेट्स से कि मैं कोई प्रोडक्ट को मतलब रिटर्न करता हूं और उस प्रोडक्ट के बदले मुझे पैसे वापस मिल जाते हैं, तो उस केस में अमेजोन ने एचपी से पैसे लेके टीडीएस लेके ऑलरेडी सरकार को जमा कर दिया, क्योंकि जब एचपी ने जब मुझे वो प्रोडक्ट सेल किया होगा अमेजोन के थ्रू और अमेजोन ने उस पर लेट से 1% का टीडीएस ऑलरेडी काट के 1,000 रुपये सरकार को जमा कर दिया, बट अब जो है इस पैसे को वापस किया जा रहा है, तो सवाल बनता है कि इस वाले टीडीएस का क्या होगा, तो क्या सरकार कभी पैसा वापस करती है? इसका जवाब है नहीं. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अमेजोन जो है इस वाले टीडीएस को अगले ट्रांजेक्शन में एडजस्ट कर देगा जो वो एचपी के साथ करेगा इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. तो मान लीजिए अमेजोन ने कोई कंप्यूटर एचपी का किसी कस्टमर को सेल किया था और उसमें 1% के हिसाब से 1,000 रुपये का टीडीएस काट के सरकार को जमा कर दिया था, लेट से कि वो कस्टमर ने उस वाले कंप्यूटर को वापस कर दिया और उसको पैसे वापस हो गए, और मान लीजिए अमेजोन ने एचपी का कोई और कंप्यूटर या कोई और मतलब प्रोडक्ट 100,000 रुपये का किसी और को, और मान लीजिए किसी और मतलब कस्टमर को सेल किया, तो अब यहाँ पे अमेजोन को 1% का टीडीएस फिर से नहीं करना, क्योंकि जो पहले वाला जो अमेजोन ने टीडीएस किया था वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा. ठीक बात है. अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे वेयर द मनी इज रिफंडेड अगेंस्ट द परचेज रिटर्न, टैक्स डिडक्टेड इफ एनी मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बाय द डिडक्टर. डिडक्टर यहाँ पे कौन है? अमेजोन विद द सेम डिडक्टर. डिडक्टर यहाँ पे कौन है? एचपी इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर में एचपी का जो अगला ट्रांजेक्शन होगा अमेजोन के थ्रू, तो अमेजोन उस वाले ट्रांजेक्शन में टीडीएस ना करे और पिछले वाले टीडीएस के ट्रांजेक्शन से ही उसे एडजस्ट कर ले. अच्छा, फर्दर ये तो खैर बात कहने वाली नहीं है. फर्दर द टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड विल बी अलाउड एज क्रेडिट टू द सेलर. और जो अमेजोन जो एचपी के पेमेंट पे टैक्स को डिडक्ट करके सरकार को जमा कर रहा है, इसका टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है साहब एचपी को मिलेगा, बिकॉज एचपी के ही पैसे से तो अमेजोन उस टैक्स को जमा करके सरकार को जमा कर रहा है, तो उस पर टैक्स क्रेडिट का राइट किसका है? एचपी का है. अच्छा, दूसरा, सर एचपी ने मुझे प्रोडक्ट ने मुझे पैसे वापस नहीं किए, बट मुझे नया कंप्यूटर ही रिप्लेस करके दे दिया, तो चूंकि आपको नया प्रोडक्ट रिप्लेस करके मिल चुका है, तो फिर आपका तो टीडीएस उसी में एडजस्ट हो गया, तो यहाँ पे फर्दर किसी टीडीएस की रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा, देखेंगे when goods are replaced by the seller against the purchase return. तो अगर लेट्स से गुड्स को अगर रिप्लेस कर दिया गया, तो
no adjustment is required, as in that case the transaction on which the tax was deducted has been complied with the goods replaced. So, जो goods आपने replace किया है उस पे 194 का जो transaction है वो adjust हो गया. मैंने HP से computer purchase किया और उस computer को replace करके मैंने अगला computer ले लिया, तो इस वाले transaction को चूंकि पहले वाले transaction के compensation के रूप में देखा गया था, इसलिए यहाँ पे TDS का adjustment की requirement नहीं है, because पहले वाला जो TDS था वो इस वाले transaction के साथ adjust हो गया. अच्छा, ध्यान दीजिएगा लास्ट जो पॉइंट है साहब वो है डिस्काउंट का क्या होगा. तो अगेन सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, 194 का जो टीडीएस होता है डियर वो हमेशा इनवॉइस वैल्यू पे होता है, वो हमेशा किस पे होता है, इनवॉइस वैल्यू पे. अगर डिस्काउंट एक्चुअल सेलर ने दिया है तो वो उस वाले डिस्काउंट को अपने इनवॉइस में से माइनस करके दिखाता है. तो लेट्स से कि मैंने एचपी से कोई कंप्यूटर परचेज करना है जिसका मान लीजिए कि प्राइस है 1,00,000 रुपए, बट इसमें मुझे एचपी 30% का डिस्काउंट ऑफर करता है 30,000 रुपए. तो एचपी जो मुझे इनवॉइस इशू करेगा साहब वो 70,000 का करेगा, एचपी जो मुझे इनवॉइस इशू करेगा वो 70,000 का करेगा. तो यहाँ पे जो टीडीएस करना है 194 का वो 70,000 पे करना है, बिंग द अमाउंट ऑफ इनवॉइस. तो अगर कोई डिस्काउंट एक्चुअल सेलर देता है तो उस वाले डिस्काउंट को वो अपने इनवॉइस में एडजस्ट करके दिखाता है. तो जो भी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ इनवॉइस होगा उसे ही एक्चुअल सेल्स प्राइस माना जाएगा, उसे ही ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ 194 टीडीएस. अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, वेयर द डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर हिमसेल्फ, द सेलर would reduce the price of product sold or services provided. For example, if the label price of the product is, if the label price of the product is 100 rupees and the seller offers a discount of rupees 10, rupees 90 will be receivable from the buyer. In this case, the seller will invoice the buyer rupees 90 and the TDS has to be made on rupees 90. So, 90 rupees per TDS karne. बट बहुत बार क्या होता है डियर कि एक्चुअल सेलर जो है वो डिस्काउंट नहीं देता, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बायर को इनकरेज करने के लिए या अपने साथ एसोसिएट रखने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एचपी का प्रोडक्ट परचेज करता हूँ 1,00,000 रुपए का, बट एचपी ने इसमें कोई भी तरीके का डिस्काउंट नहीं दिया, अमेजोन ने अपने तरफ से 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, अमेजोन ने अपनी तरफ से 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो मैं अमेजोन को पे करूंगा 98,000 रुपए, बट अमेजोन एचपी को जो इनवॉइस डील करेगा वो 1,00,000 रुपए पे करेगा. क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो एक्चुअल सेलर के थ्रू नहीं दिया जा रहा, प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया जा रहा है, और एक्चुअल सेलर जो है उसको प्लेटफॉर्म के द्वारा दिए जाने वाले डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता. एचपी को इस बात से मतलब नहीं है कि अमेजोन उसके प्रोडक्ट को आगे कितने का सेल कर रहा है, बिकॉज एचपी ने जो इनवॉइस किया है एचपी तो अमेजोन से उसी इनवॉइस से डील करेगा. क्या मेरी बात समझ पाए? तो ऐसे केस में जहां पे जो डिस्काउंट है वो प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, एक्चुअल सेलर ऑफर नहीं कर रहा, तो एक्चुअल सेलर का जो इनवॉइस वैल्यू होगा उसे ही क्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स मान के उस पर टीडीएस करना पड़ेगा. तो मेरे साथ साथ देख लें इस वाले केस में क्या हुआ, जिस पर्सन ने प्रोडक्ट सेल किया वो 100 रुपीज का सेल किया, बट बायर साइड ईसीओ ने अपनी तरफ से 10 रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर दिया. इस केस में जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है सेलर, उसने इनवॉइस 100 रुपीज का किया, तो यहाँ पे जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स होगा डियर वो अगेन 100 रुपीज होगा, क्योंकि जो इनवॉइस है वो 100 रुपीज का जा रहा है, 10 रुपए का जो डिस्काउंट है वो बायर साइड डीसीओ ने अपनी तरफ से दिया है, तो वो ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स में माइनस नहीं होगा. तो मेरे साथ साथ देख लें, इन द अबव केस द प्राइस कोटेड बाय द सेलर इज 100 एंड बायर ईसीओ गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10, अच्छा, will be collected from the buyer, अच्छा, and the buyer issue will pay. तो मुद्दे वाली बात क्या है, the invoice on the buyer will be raised on rupees 100 and tax therefore will be deducted by the seller side ECO on rupees 100 which is the gross amount of sales. तो अगर कोई discount अगर buyer side ECO या seller side ECO अपनी तरफ से देते हैं जो कि invoice में reflect नहीं हो रहा, because invoice तो HP के through जाएगा ना buyer को. ध्यान दीजिएगा, मैंने कोई प्रोडक्ट एचपी से परचेज किया तो साहब मुझे जो इनवॉइसिंग होगी वो तो एचपी से होगी, हाँ वो अमेजोन के थ्रू होगी बट होगी तो एचपी से. तो चूंकि इनवॉइसिंग मुझे एचपी से हो रही है और इस एचपी के जो इनवॉइस में कोई ये मतलब डिस्काउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए जो एचपी की जो इनवॉइस की वैल्यू होगी उस पे ही टीडीएस बनेगा 194 का, उसे ही क्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स माना जाए. अच्छा, 194 ओ के बाद डियर जो एक अमेंडमेंट आई है बेसिकली दैट इज बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 45 एंड 46 2024 डेटेड 25/5/2024. ऑल्दो ये बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं है और मैं इसे स्किप भी कर सकता था, हम चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते थे, बट चले हमने कहा चलो ठीक है. अच्छा, आपको पता है डियर अगर एक नॉन फाइलर ऑफ ITR है, अगर एक नॉन फाइलर ऑफ ITR है तो सेक्शन 206AB और सेक्शन 206CCA, अगर एक नॉन फाइलर ऑफ ITR है तो सेक्शन 206AB बोलता है जो उस वाले पर्सन पे
टीडीएस होगा वो हायर रेट पे होगा। हायर रेट कौन सा? ट्वाइस द रेट जो कि स्पेसिफाइड है, ट्वाइस द रेट जो कि इनफोर्स है, या फिर एट द रेट ऑफ 5%, जो भी हायर होगा उस रेट पे टीडीएस होगा। और सेक्शन 206 सीसीए बोलता है कि अगर कोई नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर है जो उस केस में जो टीसीएस मतलब कलेक्ट किया जाएगा वो भी हायर रेट पे किया जाएगा। हायर रेट क्या होगा? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन या फिर 5% एज द केस में भी, बट हाँ अंडर सेक्शन 206(c)(1)(h)(1%। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आईटीआर के फाइलर नहीं हैं तो आपके ऊपर जो जो टीडीएस होगा वो भी हायर रेट पे होगा एज पर सेक्शन 206(a)(b), और जो आपसे जो टैक्स लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, मीन्स टीसीएस किया जाएगा, वो भी हायर रेट पे किया जाएगा एज पर सेक्शन 206(c)(c)(a)। अच्छा, पर ये जो हायर रेट होगा साहब, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों पे अप्लाई नहीं करेगा, भले वो आईटीआर के फाइलर हो या ना हो। तो वो कौन कौन से लोग हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन वो लोग होते हैं जो कि हायर रेट ऑफ टीडीएस या फिर टीसीएस के सब्जेक्ट होंगे, बट स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन से लोग नहीं आएंगे। अच्छा, एक ऐसा नॉन रेसिडेंट नहीं आएगा जिसका इंडिया में पी नहीं है। तो अगर एक नॉन रेसिडेंट है जिसका भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो अगर वो अपना आईटीआर फाइल नहीं भी कर रहा तो भी आप उस पर हायर रेट ऑफ टीडीएस या फिर टीसीएस नहीं कर सकते, ये बोलते हुए कि साहब आप अपना आईटीआर प्रीवियस ईयर का आपने फाइल नहीं किया। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अ पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल इज आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द सेड प्रीवियस ईयर एंड इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। और सेकंड में कौन से लोग हो गए? वो लोग जिनको अपना आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और जिसको सरकार जो है, केंद्र की जो मतलब गवर्नमेंट है, वो इस पर्पस के लिए नोटिफाई करती है। तो मुद्दे वाली बात क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए नोटिफाई कर दिया गया, बस ये अमेंडमेंट है। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए नोटिफाई कर दिया गया, बस ये छोटी सी बात है साहब, इसके लिए इतना बड़ा इशू बन गया। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 206 सीसीए एंड सेक्शन 206(a)(b) द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय नोटिफाइज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 2 ऑफ द प्रोविजन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ सेट सेक्शन। मतलब ये हुआ कि जब आप कोई पेमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर रहे हैं, अगर आप कोई पेमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर रहे हैं, तो उस केस में 206 सीसीए या फिर सेक्शन 206(c) 206(a)(b) वगैरह को कंसिडर नहीं करना है। लास्ट में है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन। ध्यान दीजिएगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में हमने आपके साथ पहली बात की थी, सेक्शन 10(4)(g) क्या कहता है कि अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं और अगर आप इंडिया में आईएफएससी में किसी भी ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं और इंडिया में आईएफएससी में किसी भी बैंकिंग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर की सर्विसेज लेते हैं, और वो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लिए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फंड्स को मैनेज करता है या फिर एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो उससे जो इनकम होती है वो इनकम आपकी नॉन रेजिडेंट की इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वो इनकम जो है वो इंडिया के बाहर अकरराइज होगी और वो इंडिया में डीम्ड टू अकरराइज नहीं होगी। जब डीयर ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू अगर आपने ये सर्विसेज ली हैं तो आपको एग्जेम्प्शन मिल जाएगी बीइंग अ नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 10(4)(g). अच्छा, अब डीयर आपको पता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर्म्स बन गई हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, और इंडिविजुअल लोगों के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये बेनिफिट जो है कुछ और लोगों को भी एक्सटेंड कर दिया गया थ्रू नोटिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, सो ये बेसिकली अमेंडमेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या कह दिया गया, देखेंगे, इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट फ्रॉम एनी एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मुद्दे वाली बात क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सच नॉन रेसिडेंट एंड अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी बीइंग अ यूनिट ऑफ एन आईएफएससी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं, तो अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर से डील करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर से डील करते हैं तो वो तो सेक्शन 10(4)(g) में पहले ही एग्जेम्प्ट था, आपकी इनकम पहले ही एग्जेम्प्ट थी, बट अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर से डील ना करके पहले किसको एग्जेम्प्शन मिला हुआ था, कि मतलब पहले आप किससे डील करें तो एग्जेम्प्शन था पोर्टफोलियो मैनेजर, बट अब आपको ये एग्जेम्प्शन किसके लिए एक्सटेंड कर दी गई है, अगर आप डील करते हैं विद अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। तो साहब कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी में इंडिविजुअल्स के लिए भी मौका है, इंडिविजुअल जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकर या जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर, आप अपने आप को कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी की तरह से रजिस्टर करा सकते हैं, और अगर कोई नॉन रेसिडेंट आपसे डील करता है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी और किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स, क्रेडिट अरेंजमेंट्स, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स,
अदर देन दोस्त जो कि इमिडिएटली मतलब सेटल करने के लिए हैं, मीन्स लॉन्ग टर्म आप इसको बोल सकते हैं, या एनी अदर प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट एज मे बी नोटिफाइड। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए पहले जो एग्जम्पशन थी नॉन रेसिडेंट को इनकम में, वो तभी थी जब वो किसी पोर्टफोलियो मैनेजर से डील करता था। पोर्टफोलियो मैनेजर की तरफ से रजिस्टर कराने के लिए क्राइटेरिया बड़ा है, तो अब स्मॉल लोगों के लिए भी, अब छोटे लोगों के लिए भी एक नया क्राइटेरिया ओपन कर दिया गया जिसका नाम है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। तो आप कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी की तरफ से रजिस्टर्ड हो जाएं, और नॉन रेसिडेंट अगर आपसे बिग कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी अगर आपसे डील करता है और इन चीज़ों के थ्रू अगर कोई इनकम अर्न करता है अपने ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के अकाउंट में, तो नॉन रेसिडेंट के लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(4)(g). बट पहले ये बेनिफिट किसके लिए कब था, जब नॉन रेसिडेंट जो है वो एक पोर्टफोलियो मैनेजर से डील करता है। बट अब ये एक्सटेंड किसको कर दिया गया है, अब ये एक्सटेंड कर दिया गया है टू अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी आल्सो। और क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप बीइंग अ नॉन रेजिडेंट कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी से डील कर सकते हैं, सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स, क्रेडिट अरेंजमेंट्स, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर देन दोस जो कि इमीडिएटली सेटल करने के लिए, और एनी अदर नोटिफाइड प्रोडक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट। अच्छा।